आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। हेलो क्लास। यस सर। यस सर बोलो। ओके ओके चलो ये करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और अब इसके ऊपर ना मैं आपको क्वेश्चंस लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। आज ना हम लोग सीरीज खत्म कर देंगे, इसका इतना प्रैक्टिस करेंगे ना कि सीरीज खत्म हो जाएगा। सर सिक्स के बाद यू है कि वी है? कहाँ पे? सिक्स के बाद में, सेकंड लाइन में। सिक्स के बाद यू है। यू डब्ल्यू के बाद क्या है सर? डब्ल्यू के बाद एट है। एट एट के बाद स्टार है ना वो? हाँ स्टार है। स्टार सर यू के बाद ये एस है क्या? यू के बाद जे है। और फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर, आर के आगे क्या लिखा है? फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक। ओके Thank you.
इसको सॉल्व करो सर. फर्स्ट का आंसर 7 है और सेकंड का परसेंटेज आई गेस. नहीं गेस मत करो, प्रॉपर आंसर सॉल्व. सेकंड का 9 है. सेकंड का 9 है सर. सर सेकंड का 9 है. ओके बाकी लोग नए बच्चे हैं. सर फर्स्ट का 7 है. नहीं नहीं ठीक है ठीक है, अब बाकी लोगों का हो जाने दो, फिर मैं इसको लेता हूँ क्वेश्चन. ओके सर. आपका ये बाकी था ना, मतलब न्यूमेरिकल अरेंजमेंट बाकी था ना. बाकी था ना, वो क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस मिले नहीं मुझे न्यूमेरिकल. लेकिन रूल्स वही है, मतलब आप जैसे सॉल्व कर रहे हो ना, सिर्फ वो न्यूमेरिकल रहेगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा. सर थर्ड का फिफ्थ वन है. थर्ड का क्या आ रहा है? फर्स्ट वन. फिफ्थ आ रहा. ओके चलो बताओ मुझे आंसर. फर्स्ट का क्या आया? सेवन. रोहित का 7 आ गया. 7 आया सर. सर मेरा भी 7 आ रहा है. उज्ज्वला का 7 आ गया. और 7 7 सेवन आया. क्या नाम है? विराज. हाँ विराज 7 आ गया. और किसका 7 आया? मेरा भी सर 7 आया सर. मेरा डिंपल जोशी 7 और पूर्वा 7. मतलब 7 ही है राज. यस सर 7 ही है. ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं. 1 किसका आया? चलो सॉल्व करते हैं. चलो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस 7 टू द लेफ्ट ऑफ दिस 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. मैंने क्या बोला था, अगर दो बार लेफ्ट है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं. और काउंटिंग कहाँ से करते हैं? जो फ्रॉम के बाद वाला होता है, बरोबर ना? तो 17 में से 7 का कितना बचेगा? 10. तो लेफ्ट तो फिर लेफ्ट हैंड से काउंट करो. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Answer will be 7. Okay. Which of the following? ये समझा सबको first वाला? ये नहीं समझा? समझा सर. ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा? किसी को doubt पूछना तो पूछ लीजिए, मैं बता दूँगा. चलिए second में बात करते हैं. Which of the following is exactly the middle between nine and you? ठीक है. सर 9 आ रहा है. 9 आ रहा है सर. 9. Okay. मतलब almost सबका 7 है, कोई बात नहीं, देख लेते. डी कहाँ पे है? डी यहाँ पे है. यू कहाँ पे है? यू यहाँ पे है. तो एग्जैक्टली सर वॉइस ब्रेक हो गया आपका. सर आवाज चला गया. सर आवाज चला गया आपका. हेलो आवाज. हाँ सर अभी आ रहा है. आवाज चली गई थी आपकी. इसको काउंट करो कितना है. देखो डी यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, हमें क्या चाहिए? मिडल की है ना. तो मिडिल के क्या करना है, देखो यहाँ पे काउंट करो इसको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 को डिवाइड करो दो से, कितना आंसर आएगा? 6.5. आंसर क्या आएगा? 13 को अगर दो से आप डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? 6.5. बराबर ना? तो 6.5 मतलब 6 यहाँ से एलिमिनेट कर दो, सातवा जो होगा आपका आंसर होगा. 6.5 मतलब सातवा लेना है. तो आपको आवाज चले गए सर. वॉइस वापस चला गया आपको. आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है. देखो यहाँ पे मैंने कैसे किया, मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चंस में, एक यहाँ से एलिमिनेट करो एक यहाँ से एलिमिनेट करो, बरोबर की नहीं? हाँ. यही सिखाया था ना मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, यही सिखाया था कि यहाँ से एलिमिनेट करो और वहां से भी एक एलिमिनेट करो, बरोबर की नहीं? एक यहाँ से कम करो यहाँ से कम करो. तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा और फास्ट करना है तो आप बीच में काउंट करो कितने आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डी और यू के बीच में कितने आ रहे हैं? 13 नंबर आ रहे हैं, बरोबर ना? 13 काउंटिंग आ रहा है.
तो उसको अगर हमको मिडल लेना है तो मिडल करने के लिए क्या करें, डिवाइड बाय टू करेंगे, तो डिवाइड बाय टू करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6.5 का मतलब क्या होगा, 6.5 प्लस 6.5 कितना होता है, 13 होता है, बरोबर ना। तो 6.5 का मतलब 6 यहाँ से कम होगा, 6 वहां से कम होगा, तभी 0.5 का आंसर आएगा ना। समझे? देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 यहाँ पे खत्म हो गया, पीछे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ से भी खत्म हो गया, बरोबर ना। तो बचा कितना हमारा, 1, 1 ये आधा उधर भी जा रहा था, आधा इधर भी जा रहा था, तो वो जो आंसर होगा वो 9 होगा। ये किसको नहीं समझा मैं बताऊंगा फिर से, किसी को डाउट है इसमें? समझा ना? ओके, सिंपल है। हाँ देखो, आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, बैकग्राउंड में रोहित आपका, हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डी और यू के बीच में एग्जैक्टली मिडल कौन सा है, बरोबर ना। तो आप क्या करो, डी और यू के बीच में जितने भी नंबर हैं, जितने भी कुछ भी हैं, उसको काउंट करो कितने आ रहे। तो हमने जब पूरा एक काउंट किया तो हमें कितना मिला, 13 मिला, 13 मिला ना। जब 13 मिला तो 13 मिलने के बाद का मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 6.5, मतलब 6 वहां से कट होएगा और 6 यहां से भी कट होएगा, तो 0.5 जो नंबर वाला रहेगा वो वही नंबर अपना होगा। काउंटिंग करो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ से हट गया, 0.5 वाला मतलब यही नंबर होगा ना, अगला वाला नंबर, तो ये हमारा आंसर होगा। जैसे अभी आपको मैं ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगा, कितना नंबर आ रहा था बीच में हमारा, 13, तो 13 काउंट करते देखो, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बरोबर ना। ये मैंने 13 कर दिया। अब 0.5 कैसे करना है, हमने क्या किया था, 13 डिवाइड बाय 2 किया था, कितना है, 6.5, बरोबर ना। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बरोबर, और 6 पीछे से भी काउंट करना पड़ेगा ना, हम लोग एक यहाँ से एलिमिनेट करें तो पीछे से भी एक एलिमिनेट करेंगे ना, तो यहाँ से भी एलिमिनेट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखो, ये एक नंबर बच रहा है जो मिडल नंबर है, बरोबर कि नहीं। तो वो जो 0.5 आ रहा है ना, ये जो 0.5 आ रहा है ना, तो 0.5 इसका आधा होगा और इधर का 0.5 होगा, मतलब ये टोटल मिला के 1 होगा ना, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब आधा पार्ट इधर जाएगा, आधा पार्ट इधर जाएगा, समझे कि नहीं। और जो आधा पार्ट जा रहा है वही अपना आंसर होगा, समझे कि किसी को डाउट है, समझ गए, किसी को डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा। 9 आंसर है ना इसका, 9 आंसर आएगा, तो आंसर आएगा इसका 9, ठीक है, चलो। यस सर, किसी को डाउट नहीं था ना इसमें? नो सर, नहीं सर। इसका आंसर बताइए क्या है सर? 51। 5 सर, 51। कितना, 51 आ रहा है क्या? यस सर, 51। सिद्धेश, सिद्धेश किसका, सिद्धेश का क्या आंसर आया सर? रोहित। सर मेरा, रोहित का आंसर आया 5, और मेरा भी 5 आ रहा है सर। सर मेरा भी, सिद्धेश का 5। मैम आपका नाम? उज्ज्वला। मेरा भी 5 आ रहा है। ओके ओके, आपका 5 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। 4 आर द सर्टेन फॉर्म सर, मेरा सेकंड आ रहा है। सेकंड आ रहा है क्या? मोमिन आपका सेकंड आ रहा है, अंकिता, मोमिन और मेरा और कोई एक, और एक न्यू स्टूडेंट विराज। विराज आपका आंसर क्या आया सर? नहीं समझाइए, नहीं समझा, कोई बात नहीं, या मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था, मेरा फिफ्थ है सर। ठीक है सिमरन, देखते हैं। चलो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन द अमो अरेंजमेंट और फॉर्म अ ग्रुप, मतलब क्या है, ये 5 में से 4 ना एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फॉर्म एक ग्रुप बना रहे हैं, मतलब एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कोई तो एक है विच इज डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, मतलब कोई तो एक है जो बिलोंग द, मतलब ग्रुप में से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये जो 4 होंगे 5 ऑप्शन में से 4 जो है सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और एक जो होगा वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, वही हमारा आंसर होगा, वो पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे PM3, देखो PM3 दिया है ना, PM कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे PM3 किधर है, देखो यहाँ पे PM3 किधर है, देखो P यहाँ पे है, M यहाँ पे, 3 यहाँ पे, बरोबर ना। देखो PM3, देखो यहाँ पे P
एक छोड़ के थ्री आ रहा है, मतलब एक छोड़ के क्या आ रहा है, एम आ रहा है, मतलब माइनस कितना होगा, टू, एक और दो टू हो गया और प्लस वन, माइनस टू प्लस वन का पैटर्न जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यहाँ पे? रोहित यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी एम थ्री है ना, हमें क्या चाहिए था, पी एम थ्री है ना, पी एम थ्री देखो पी के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, बरोबर ना? बैकग्राउंड आपकी इधर से आवाज आ रहा है क्या बैकग्राउंड में? रोहित यहाँ पे देखो पी एम यहाँ पे है और पी के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो एम किधर है, इधर है, तो कितने नंबर के बाद एम है, एक छोड़ के फिर एम है ना, बरोबर ना? मतलब माइनस के माइनस जा रहे हो ना, पीछे जा रहे हो मतलब माइनस होगा ना, तो माइनस कितना नंबर, एक दो, तो क्या होगा, माइनस टू, ऐसा बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, हाँ वो थोड़ा सा रोहित के साइड से आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे P3 यहाँ पे देखो, ये M के बाद क्या है, 3 है ना, तो तुरंत उसके बाद है ना प्लस 1, प्लस 1 हो गया ना, ये पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, माइनस 2 प्लस 1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है एक्जेक्टली, तो ये पैटर्न अभी के एफ देखते हैं, के एफ ई देखो यहाँ पे, के कहाँ पे है, यहाँ पे है, एफ कहाँ पे है, के बाद एफ कहाँ पे है, ई यहाँ पे, बरोबर ना? तो क्या ये फॉलो कर रहा है क्या, के एफ मतलब प्लस टू माइनस वन, मतलब माइनस टू प्लस वन वही आ रहा है, प्लस टू माइनस वन, अभी ये देखो सिक्स जे दो, सिक्स जे परसेंटेज, सिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये क्या था सर, सिक्स जे स्टार, जे स्टार है, अच्छा ये नहीं था मैंने लिखा, चलो सिक्स जे, सिक्स जे और स्टार, ये भी देखो फॉलो हो रहा है ना, प्लस टू माइनस वन, देखो प्लस टू माइनस वन ये भी फॉलो हो रहा है, अभी देखो वन फाइव एट द रेट, एट द रेट, हाँ ठीक है, वन किधर गया, वन वन फाइव एट द रेट माइनस टू प्लस वन और सेवन डी ए, सेवन डी ए देखो यार प्लस टू प्लस थ्री, तो ये जो हमारा ऑड नंबर आया ना थोड़ा सा, समझ गए, बाकी देखो प्लस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस वन, मतलब वही पैटर्न में जा रहा है, लेकिन 70A जो आ रहा है प्लस टू भी जा रहा है और प्लस थ्री भी जा रहा है, तो ये ऑड हो गया ना, जो डज नॉट ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप है, ठीक है ये वाला, तो ये जो पांचवा जो आंसर था ना जिसका, वो राइट है। तो ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नेक्स्ट स्टूडेंट, अंकिता, युवराज, सर मतलब कि एक पॉजिटिव आने चाहिए क्या, प्लस क्या क्या दोनों भी प्लस ही आना चाहिए क्या? नहीं नहीं, इसमें प्लस का मतलब नहीं है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम होना चाहिए, जैसे पीएम थ्री का था ना, पीएम थ्री, तो यहाँ पे पी इधर था, एम इधर था, थ्री इधर था, तो माइनस टू प्लस वन आ रहा था, किसी में प्लस टू माइनस वन आ रहा था, तो पैटर्न सेम जा रहा था ना, लेकिन सेवन डी ए में देखो, सेवन डी के ऑप्शन में देखो, ये जा रहा है प्लस टू और इधर से भी प्लस थ्री हो रहा था, माइनस हो रहा था क्या यहाँ पे, ये नंबर फॉलो हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था ना, 7D मतलब कितना, एक छोड़ के एक था, मतलब 1 2 तो प्लस 2 हो रहा था और फिर यहाँ पे ए आ रहा था 1 2 3 तो प्लस 3 आ रहा था, 7 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा था क्या यहाँ पे, नहीं वो नहीं कर रहा था, हाँ तो ये हमारा आंसर होगा, क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? नहीं नहीं बराबर, ओके ऊपर ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड में क्वेश्चन है, प्लीज बंद करो, गैलेक्सी नोट किसका है, गैलेक्सी नोट 3, वो बंद कर दो आवाज आ रहा है, मैडम आपका प्लीज बंद करो आवाज आ रहा है, गैलेक्सी नोट 3, आवाज आ रहा है,
गैलेक्सी नोट सिंगल ही होता है तो ओपन बोलना ओपन करेगा अपना ओके चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो गैलेक्सी नोट 3 वापस चलो सर सिंबल्स के बाद में आपने क्या लिखा है ए और एक्स कहाँ पे आ रहे गैलेक्सी नोट 3 किसका है वो प्लीज म्यूट कर दो चलो हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट इच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड फ्री मतलब क्या होता है प्रीसीडेड क्या होता है मैंने बताया था आपको पहले और फॉरवर्ड का भी होता है बाद में नंबर प्रीसीडेड मतलब पिछला ना और फॉरवर्ड का मतलब बाद में अच्छा हाँ सही हाँ वही है ठीक है अ नंबर बट नॉट इमीडिएटली immediately followed by consonant how many such consonants are there the above arrangement each of which immediately followed by another consonant but not immediately preceded by some kya aapko dikh raha hai jo main likh raha hu yahan pe okay सॉल्व करो इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा और फर्स्ट का 3 है फर्स्ट का 3 आ गया क्या आंसर ओके बाकी लोग आंसर आया सर सेकंड का 1 है यानी फर्स्ट का 3 यस सेकंड का 1 है फर्स्ट का 3 सबका सॉल्व हो गया क्या सब लोगों ने सॉल्व कर लिया तो मैं बताता हूं सेकंड का 1 है सर सेकंड का 1 आ रहा है क्या ओके यस यस सर फर्स्ट ऑलमोस्ट आपके मैंने ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं इसमें से और एक क्वेश्चंस लेके फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे ठीक है यस सर अब बस एक क्वेश्चन और लूंगा इसके बाद फिर आपका नया चैप्टर शुरू करूंगा चलिए बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आया बताइए किसका क्या क्या रोहित आपका आंसर क्या आया 3 आया 3 आ रहा है सर मेरा भी 3 आ रहा है श्वेता का 3 आया और किसका विराज सब मेरा श्वेता
विराट का थ्री आया, चलो मतलब सबका थ्री आया ना, सही सर। सुकृत का टू आया, सुकृत सुकृत को आंसर करने दीजिए, सुकृत की तरह चैट में किया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सुकृत क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नहीं सर, ओ फिफ्थ का सेकंड है, दो एक ही है मेरे को। फिफ्थ का सेकंड है क्या? ओके मतलब दो है ना, फिफ्थ का दो है, वन आंसर वन है। और फोर्थ का क्या आपका सुकृत? फोर्थ का थ्री आया, फिफ्थ का वन आया। ठीक है, मतलब अगर आपका सबके साथ आया तो आई मीन आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी सच सैंपल्स, तो मैंने क्या करूंगा सैंपल्स का एक साइन बना दूंगा, ठीक है, विच इज अब अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ नंबर, तो मैं इसके पीछे एक नंबर लिख दूंगा, प्रीसीड बाय बोला है ना, प्रीसीड बाय मतलब नंबर, तो पीछे एक नंबर लिख दूंगा, नॉट इमीडिएटली फॉरवर्ड बाय कंसोनेंट, तो मैं यहाँ पे कट करूंगा और कंसोनेंट यहाँ पे लिख दूंगा, मतलब कंसोनेंट नहीं आना चाहिए। तो आप मुझे बात बताओ, आप तीनों में से आपने क्या कौन सा नंबर किया था, कि आपने कंसोनेंट पिक किया था नंबर के थ्रू गए थे आप या सिंबल के थ्रू गए थे, कैसे गए थे आप? नंबर, इसी में क्या होता है नंबर के थ्रू, नंबर के थ्रू। देखिए यहाँ पे नंबर ढूंढो, यहाँ पे नंबर है, नंबर के बाद क्या सिंबल से क्या यहाँ पे नहीं है? नहीं सर, तो ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर है, सिंबल से, और ये क्या है, ये क्या होता है हमारा, वोवेल, होता है। तो ये पेयर बन गया, करेक्ट है। अब यहाँ पे नंबर देखो, नंबर के बाद सिंबल से क्या नहीं है, नहीं ये हमारा आंसर नहीं होगा। नंबर के बाद सिंबल से क्या है, एक आंसर, वन आंसर आ रहा है। नहीं नहीं देखते मैम, आपका नाम डिम्पल, डिम्पल का वन आया, चलो डिम्पल थोड़ा डिफरेंट आंसर, मेरा भी वन ही आया था, सिद्धेश का वन आ रहा है, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने ये कर लिया, एक पेयर मिल गया हमारा। अब देखो फोर के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो फोर के बाद एफ लिख किया, वन के बाद क्या किया था, नंबर के बाद क्या किया था, कॉन्सोनेंट मतलब सिंबल किया था, करेक्ट है। तो देखिए फोर के बाद क्या सिंबल से क्या यहाँ पे नहीं है, तो ये पेयर तो बनेगा नहीं। फिर नंबर ढूंढो, नंबर आगे ढूंढा आपने, नंबर के आगे सिंबल से आ रहा है, फिर कंसोनेंट आ रहा है, लेकिन आपको कंसोनेंट चाहिए था क्या? नहीं सर, नहीं चाहिए था, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। अब नंबर ढूंढो, आगे नंबर कौन सा है, ये नंबर है, लेकिन नंबर के आगे सिंबल से क्या ये नहीं है, नहीं सर, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे नंबर ढूंढो, वो तीन मिला, तो नंबर के आगे सिंबल्स मिला और सिंबल के आगे क्या चाहिए था, नंबर, तो ये भी पेयर बन गया ना। यस सर, तो ये भी एक पेयर हो गया हमारा, दो हो गया। चलो आगे बढ़ते, आगे नंबर देखो, ये नंबर हो गया, नंबर के आगे सिंबल्स हो गया और सिक्स आया, तो ये भी बन सकता है हमारा। यस ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नंबर है क्या किधर भी आगे? Nice. नहीं है, तो सिद्धेश और डिम्पल आपका आंसर रॉन्ग है, और जिसने तीन आंसर दिया था उनका आंसर करेक्ट है। सिद्धेश और डिम्पल आपको किधर प्रॉब्लम आया आप बताओ? मतलब मुझे तो सुप्ला थी, सिर्फ वॉवेल ही चाहिए लास्ट में क्या? नहीं नहीं नहीं, आप प्रॉपर पढ़िए, इसमें बोला है कि इच विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, तो ये तो कंफर्म बोल रहा है कि जो सिंबल्स के पहले जो होना चाहिए वो तो नंबर होना चाहिए, कंफर्म बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो बोल रहा है लेकिन, बट लेकिन नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट, मतलब कि इमीडिएटली उसका फॉलोड नहीं होना चाहिए कंसोनेंट, लेकिन कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन नंबर और सिंबल्स तो हो सकते हैं ना। उसने क्या बोला है कि सिर्फ कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक बात बताओ, इसमें नंबर और सिंबल्स तो आ सकते हैं ना, समझ रहे हो? उसने ऐसा बोला है कि यार नंबर और सिंबल्स भी नहीं होना चाहिए? नहीं बोला, उसने स्पेसिफिक मेंशन किया यहाँ पे कि यहाँ पे कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या किया था, कंसोनेंट को कट किया था, ठीक है, क्लियर? ओके चलो, डिंपल आपको क्लियर हुआ? सर कंसोनेंट मतलब, कंसोनेंट मतलब देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो एबीसीडी में देखो सर आप कौन से लैंग्वेज कंफर्ट रहेंगे, हिंदी या फिर मराठी? मराठी, ठीक है, तो देखिए अभी आपके मराठी लैंग्वेज में वो स्वर होता है, स्वर, हाँ हाँ, आ ए ई आई ओ यू ना, वोवेल, तो वोवेल जो स्वर मतलब होता है वोवेल, हाँ, तो इंग्लिश में वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, सर आवाज गया, सर आवाज गया आपका, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अभी आपका नाम सपोज रोहित है, ठीक है ना? हाँ हाँ, रोहित, तो रोहित में आप बताओ मुझे, ये जो र की मात्रा है ऊपर गई है ये, और ये जो मात्रा दी है मतलब, हाँ, रोहित में ये जो मात्रा है, तो जो मात्रा होती है ना, ठीक है, मात्रा जो होती, हाँ, है ना, हाँ, हाँ, वो होता है वोवेल जो मात्रा लगाने काम करती है, और कंसोनेंट होता है जो ये मात्रा के अलावा जो भी है, जैसे
डी एच ये कंसोनेंट होते हैं, मतलब व्यंजन, व्यंजन जो होता है कक्का किक्की वो होता है कंसोनेंट। वॉवेल्स छोड़ के जो रहते हैं वो कंसोनेंट रहते हैं। हां वॉवेल्स छोड़ के जो रहते हैं कंसोनेंट होते हैं, मतलब जैसे र र कंसोनेंट हो गया, ह कंसोनेंट हो गया, क कंसोनेंट। लेकिन जो मात्रा का काम करती है जैसे ए ई आई ओ यू जो मात्रा का काम करती है वो होता है वॉवेल्स। तो नेक्स्ट टाइम से इसको ध्यान रखना। हाँ मतलब वॉवेल्स छोड़ के जो रहते हैं वो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल्स छोड़ के जो रहते हैं वो कॉन्सोनेंट ही होंगे। उसके बाद नंबर आएगा तो भी वो पेयर हो जाता है ना। हाँ लेकिन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा उन्होंने, इसके लिए वो नंबर आए क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि नंबर तो प्रीसीड होना चाहिए लेकिन इमीज बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया था नंबर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, तो नंबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख दिया था नंबर प्लस कॉन्सोनेंट, तो नंबर और कॉन्सोनेंट दोनों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करता है यहाँ पे क्वेश्चन में जो रहता है एग्जाम पैटर्न जो सेट करता है वो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, यस सर, यस चलो। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी सच अ कंसोनेंट, कंसोनेंट मतलब रोहित क्या हो गया वॉवेल्स छोड़ के। ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी कंसोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कंसोनेंट, तो दो बार कंसोनेंट आना चाहिए बट इमीडिएट बट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल बट है क्या। यस सर, यस सर, बट नॉट आएगा, बट नॉट मिसिंग हो गया क्योंकि बट लगा है तभी मुझे डाउट हुआ। बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, ये नॉट आएगा तो फिर सर वापस से सॉल्व करना पड़ेगा ये। अभी कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व कर लो। ओके, सॉल्व करके बताओ, फटाफट बताओ। रोहित, रोहित मलिक, यू आर आंसर। हाँ यस सर। हाँ रोहित मलिक, देखो यहाँ पे आपका डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए कंसोनेंट बोला है, जो कंसोनेंट होगा देयर अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कंसोनेंट, अनदर कंसोनेंट सर नहीं है उसमें, सर 2 बट हाँ एक एक मिनट 0 हाँ मैम 0 हाँ हाँ एक मिनट मैम। रोहित यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल्स, तो यहाँ पे क्या सिंबल्स प्रीसीडेड नहीं, जैसे आपके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या नहीं आना चाहिए था, कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए था, कॉन्सोनेंट था क्या, हाँ कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए था, तो स्पेसिफिक मेंशन किया था कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में बोला सिंबल्स नहीं आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। क्लियर, ओके ओके ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं, आप मुझे बात बताओ आंसर क्या आया, किसी का आंसर क्या आ रहा है, जीरो सर आ रहा है, डिंपल क्या आ रहा है, यस सर 2 आ रहा है, सुकृति का 0 आ रहा है। चलो सॉल्व करते, मतलब आपके आंसर मैच नहीं हो रहा है, सर उज्वला का 0 आ रहा है, मेरा शुभ काम है, ठीक है ठीक है, सुकृति सर मेरा भी 0 आ रहा है, वन आया, ठीक है चलो, और उज्ज्वला का 0 आया, चलो मैच नहीं हो रहा, आपके आंसर लगता है इतना प्रॉब्लम है, चलो सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, हाउ मेनी सच कंसोनेंट, कंसोनेंट का मैंने यहाँ पे लिख लिया, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कंसोनेंट, फॉलोड मतलब आगे ले लिया, और वो फॉलोड किससे होना चाहिए कंसोनेंट से, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल्स, तो आज पीछे क्या होना चाहिए सिंबल्स नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो कंसोनेंट कंसोनेंट मत ढूंढो। आप कैसे ढूंढे, आपने अपने सिंबल से ढूंढा कि कंसोनेंट से ढूंढा, आपने कैसे ढूंढा, कंसोनेंट देखा, कंसोनेंट ढूंढा, आजू बाजू में सिंबल नहीं है वो देखा। हाँ वेरी गुड, तो कंसोनेंट ढूंढो, दो कंसोनेंट साथ में बहुत इजी हो जाता है ये, ठीक है ना। आगे देखो, ये कंसोनेंट है, लेकिन इसके आगे कंसोनेंट है क्या, नहीं है सर, नहीं होगा, ये कंसोनेंट इसके कंसोनेंट है क्या, ये भी नहीं होगा, ये कंसोनेंट है क्या, नहीं है, नहीं 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 है, चलो नहीं 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 है, चलो यहाँ पे देखो कंसोनेंट है, ये ऐसा कंसोनेंट है क्या, नहीं है, नहीं ये भी कंसोनेंट है क्या, ये देखो कंसोनेंट है, इसके आगे कंसोनेंट है क्या, नहीं है,
ये देखो ये कंसोनेंट है लेकिन इसके आगे कंसोनेंट है क्या? ये तो वोवेल है ना? ये हाँ, नहीं है, वो नहीं है। हाँ, ये कंसोनेंट है, इसके आगे तो नंबर है। हमें क्या चाहिए था? कंसोनेंट चाहिए था। कंसोनेंट के आगे कंसोनेंट चाहिए, कंसोनेंट के क्या आ गया? नंबर। ये भी नहीं होगा तो ये भी देखो कंसोनेंट है, इसके आगे नंबर है तो ये भी नहीं होगा। ये देखो कंसोनेंट है लेकिन इसके आगे क्या है? वोवेल है, ये तो नहीं हो सकता। ये देखो कंसोनेंट है, इसके आगे नंबर, ये भी नहीं होगा। ये देखो यू तो क्या है? वोवेल होता है ना यू। A E I O U, ये क्या हो गया? वोवेल। हमें क्या चाहिए? वोवेल तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कंसोनेंट। तो ये तो होगा, तो ये के आगे क्या है? डॉलर। तो कंसोनेंट के आगे हमें क्या चाहिए था? कंसोनेंट, लेकिन तो सिंबल से, ये भी नहीं होगा। अभी ये हो गया कंसोनेंट, इसके आगे हो गया कंसोनेंट, ये मैच हो रहा है। लेकिन इसके पीछे सिंबल्स नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे सिंबल्स है। तो डिम्पल का आंसर आई थिंक राइट था। डिम्पल जो का आंसर राइट था, जीरो। वेरी गुड, बाकी लोगों का रॉन्ग हो। हाँ सर, वही लास्ट में वाले में कंफ्यूजन। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई डाउट है? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? न्यू स्टूडेंट? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन लू कि नया चैप्टर स्टार्ट करूं? नया चैप्टर मतलब नया चैप्टर लू? बाकी लोग बताइए नया चैप्टर लेना है और मैंने प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चलो न्यूमेरिक में मेरे पास क्वेश्चन थे, मैं बना देता हूँ न्यूमेरिक। चलो आप ही बताइए आंसर क्या है। सर ग्रुप न्यूमेरिक्स लो ना। क्या? ग्रुप न्यूमेरिक। आप ग्रुप न्यूमेरिक हो गया मैम? ओके हो गया ग्रुप न्यूमेरिक। मैं आपका एक सिंगल न्यूमेरिक। हाँ सर हो गया ग्रुप न्यूमेरिक। हाँ वो हो गया, मुझे मैंने पढ़ा है, मुझे पता है। चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। सिंगल न्यूमेरिक है क्या सर? ये सिंगल एक वन लाइनर न्यूमेरिक है, ये डिजिट है, ये डिजिट है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ 16 from the right hand. So 22, 22 तो हो गया। चलो left hand. पहला question, second question. Sir first का one. First, very good, very good. चलो देखते हैं आगे भी. First का. Of the following. देखिए ऐसे ही आता है, बाकी कुछ नहीं। Is exactly. ये ना ऐसे ही आएगा, बस ये pattern change हुआ, बाकी कुछ नहीं। Is in the middle between. So first का fourth आएगा। तो first का four आ रहा है। First का four है। हाँ sir, first का four। First का four है sir। देखते हैं, देखते हैं। Which of the following is in the middle between? Seven. Three. In the अरेंजमेंट। चलिए इसका दोनों का आंसर बताइए। फर्स्ट का क्या आंसर आया था आपका? फोर। और वन किसका रहा? उज्ज्वला का रहा। और किसका आ रहा है? बॉयज में किसका आवाज आ रहा था वन का? रोहित का। रोहित का वन आया। चलो सर रोहित फोर आ रहा। रोहित हफ्ते का फोर आ रहा है और मेरा भी फोर आ रहा है। उज्ज्वला का भी फोर आ रहा है। मेरा भी फोर है सर। मेरा भी फोर आ रहा है। चलो चलो वन आ रहा है किसका? उज्ज्वला वन आ रहा है। हां यस सर। ठीक है चलो उज्ज्वला का वन है और सर सेकंड का फोर आ रहा है सर। नहीं फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ
टू द लेफ्ट एंड 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बरोबर ना? तो लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्लियर ना? हाँ, माइनस करिए 16 में से 6 लिया कितना होगा 10 होगा, लेकिन काउंट किधर से करना पड़ेगा, फ्रॉम के बाद वाला जो होगा उससे काउंट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड से, तो 10 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर आ रहा है 4, उजवला 1 कैसे आ रहा है? सर मैंने राइट लिखा था। हां सर राइट हैंड का काउंट किया हमने, राइट आपने राइट टर्न लिया था क्या? ओके ओके लेफ्ट हैंड, क्योंकि मैंने राइट क्यों मिटाया पता है क्या, ये 16 और 6 22 हो जाएगा, ये 22 मैंने लिखा ही नहीं आगे, यस सर 22 होना चाहिए ना, तो मैंने इसको मिटा के लेफ्ट कर दिया, ठीक है चलो। तो आंसर कोड इसका है वो राइट है, आप इसका आंसर बताइए सेकंड का क्या आंसर आया? 4 4 आ रहा है, 4 इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? एक्चुअली में प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में कि 2 7 और 3 आ रहे हैं और दोनों 7 4 3 सर, मोर देन वन अभी हो गया सर, अभी आंसर अभी सर वापिस से 3 रिपीटेड है। हाँ सर चलो बेटा देते देन आंसर इज 4, ये ले लो यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ पे बचा कौन सा नंबर 7 6 ले लो और यहाँ पे ले लो 5 ले लो सर 3 ले लो। चलो आप बताओ आंसर क्या आएगा, देख के बताओ, सॉल्व मत करो, देख के बताओ आंसर क्या आएगा। 9 आएगा सर, 9 आएगा सर, 9 आएगा सर, 9 आएगा सर, 9 पता है क्या? आप ना 7 और 3 के बीच काउंट करो कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 3.5, तो 3 यहां से कम करो, 3 यहां से करो 0.5 वाला हमारा आंसर होगा, तो 3 यहां से कम हो गया, 3 यहां से कम हो गया 0.5 वाला आंसर ये होगा, तो 9 हमारा आंसर हो गया, क्लियर? ऐसे ही पैटर्न में वो क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन मैंने बहुत ढूंढे नहीं मिला मुझे, इसके लिए मैंने ये सैंपल क्वेश्चन लिया, अगर नेक्स्ट लेक्चर में ना अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसको लेके आता हूँ, ठीक है? चलो नया टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आप ओल्ड स्टूडेंट, आप एक बात बताइए, मैंने ना इनइक्वालिटी पढ़ा दिया था, फिलोसफी पढ़ा दिया था, ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया था, डायरेक्शन पढ़ा दिया था, बरोबर? आप लोगों को इससे क्या सीखना है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट को भी मतलब ये, क्योंकि मुझे देखिए ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के बिना मैं आपको पजल नहीं सिखा सकता, तो अब बताइए आपको क्या सीखना है, इनइक्वालिटी सीखना है फिर से, सिंबल सीखना है या ब्लड रिलेशन सीखना है या डायरेक्शन लॉग सीखना है या डायरेक्शन सीखना है? सर ब्लड रिलेशन ले सकते हो क्या? बिकॉज वो ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम ये होता है कि जो रिश्तेदारी में निभाने में ये होता है थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है, नहीं तो मैं आपको रिश्तेदारी निभाना सिखा दूंगा। चलो ब्लड रिलेशन समझता ही नहीं है वो सर, मैं आपको समझा रहा हूँ, किसकी नानी किसकी दादी निकल जाती है पता नहीं। मैं आपको सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, चलो ब्लड रिलेशन डालो, ब्लड रिलेशन टॉपिक मतलब बाकी को, बाकी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, जैसे इनइक्वालिटी हो गया नहीं सर, अगर तो बाकी सब टॉपिक हम लोग एक दो बार अगर रिमाइंडर और प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हो जाएगा परफेक्ट, जो ब्लड रिलेशन में रहता है ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कोई बात नहीं चलो सॉल्व करते, हाँ वो समझ में नहीं आता, क्लिक नहीं होता, चलो मैं मतलब ब्लड रिलेशन को ना आराम से लेता हूँ मैं, आराम से आपको क्लिक हो जाएगा, ओके चालेल सर। चलो आपण न्यू न्यू टॉपिक टाका तुम्ही वरती, ब्लड रिलेशन हो टाकलं, चलो हाँ चलो आप मुझे बात बताओ, आपके जनरेशन में आपसे जो ऊपर होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, मतलब जैसे हमारे पिताजी आते हैं हमसे ऊपर, बरोबर ना? यस सर, मॉम आती है, यस सर, उनके ऊपर जो जनरेशन आता है वो क्या होता है, दादाजी होते हैं, दादी होती है, यस सर, बरोबर ना? और हमारे जो नेचर जनरेशन में क्या होते हैं, सन होते हैं, डॉटर होती है, और उससे नीचे जनरेशन में जाएंगे तो पोता पोती होता है, क्लियर ना? तो मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे देख लो आप चार्ट बना रहा हूँ, फैमिली चार्ट, ये आप हो, तो आपके जनरेशन में कौन आता है, आपके ब्रदर आते हैं,
आप ना आराम से समझ के देखो, क्योंकि ब्लड रिएक्शन में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने हर एक क्वेश्चन आप ग्राफ बना लो, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसा मत करना, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ना, यही तो बहुत बड़ी ब्रदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत लोगों को बिगाड़ दिया है। बाकी फिर वो स्क्रीनशॉट मोबाइल में ऐसे पड़ रहे थे, आप लिख लो। देखो यहाँ पे यू के मतलब हम लोग हैं, यहाँ पे यू मतलब आप लोग हो, ठीक है। आपकी इस जनरेशन में, आपके जनरेशन में आपके भाई होते हैं, सिस्टर होती हैं, आपकी बहन होती हैं, और कसन। अगर आपके भाई ने किसी से मतलब शादी किया तो आपकी क्या लगेंगे, भाभी लगती हैं। तो भाभी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और आपकी अगर सिस्टर होंगी, अगर उन्होंने शादी किया वो शादी करेंगे तो उन लोग क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, यस सर। चलिए अब बताइए, आपके जनरेशन में कजिन भी तो आते हैं ना? हाँ, yes, हमें चाचा के जो लड़के होते हैं तो वो भी तो हमारे भाई बहन होते हैं ना, या बड़े पापा के जो लड़के होते हैं भाई बहन होते हैं, तो उनको हम लोग कजिन बोलते हैं। और कजिन के साथ में कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर कभी भी यूज नहीं होता है, तो हम लोग उनको कजिन ही बुलाते हैं, क्लियर है? हाँ। चलिए अभी हम लोग ना थोड़ा एक ऊपर जनरेशन जाते हैं, एक जनरेशन ऊपर जाते हैं। तो एक जनरेशन अगर हम ऊपर गए तो हमारे फादर होंगे। सर कजिन के साइड में वाइफ भी आएगा ना? नहीं मैं ले रहा हूँ। हाँ पहले एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, हाँ। फादर होंगे, इसके ऊपर जाने की जनरेशन में हम लोग क्या फादर होंगे, बरोबर? यस सर। हाँ। और मदर, हमारी माता होती है तो मदर, ठीक है। ठीक है, फादर होते हैं, मदर होते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अंकल भी तो होते हैं ना, पप्पा के जो भाई होते हैं हमारे, क्या लगते हैं अंकल लगते हैं, मतलब बड़े पिताजी बोलते हैं हम लोग, बड़े पापा या काका बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अंकल होते हैं और आंटी, मतलब पापा की जो बहन होती है उन्हें भी हम लोग आंटी बोलते हैं, और मम्मी की जो बहन होती है उन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। तो आंट बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। हाँ, बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं ना। हमें देखिए हिंदी में ना बहुत से रिलेशन है, बुआ काका ये डिंपल। सर ये अंकल आंटी तो राइट साइड में आएगा ना हम लोग के जनरेशन के ऊपर? हाँ ना, तो देखिए ना मेरे जनरेशन के ऊपर ही आया ना अंकल आंट, पापा की जनरेशन में ही आएंगे ना वो तो। आप अपने किसी का बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है? हाँ सर, टीवी का आवाज आ रहा है। प्रहलाद भट्ट। यस सर, म्यूट किया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे खुद को इमेजिन करो कि आप यहाँ पे हो। आप इमेजिन करो आपके जनरेशन में, आप ना ऐसा ब्लड रिलेशन है कि इमेजिनेशन करो कि आप मतलब पढ़ो मत, इसको एंजॉयमेंट में पढ़ो। आपके जनरेशन है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भाई है, मेरी बहन, मेरे भाई की शादी होगी, मेरी भाभी हो गई सिस्टर इन लॉ, मेरी बहन है, बहन की शादी होगी ब्रदर इन लॉ। चलो मैं ऊपर जनरेशन जाता हूँ, मेरे पप्पा आते हैं, मेरी मम्मी आती है, पप्पा के भाई भी आते हैं तो मेरे अंकल हो गए, पप्पा की बहन हो गई वो भी मेरी आंटी हो गई, मम्मी की बहन भी होगी तो भी मेरी आंटी लगेगी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलो यस सर, एक जनरेशन और ऊपर जाते हैं हम लोग। हम लोग पप्पा के पप्पा को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। और ग्रैंड मदर भी होती है? यस सर। चलिए यहाँ पे और एक जनरेशन ऊपर जाओ तो क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड मदर होगा। यस। यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर होता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर, नो। ओके, चलिए अब आगे बात पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे जनरेशन में अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ भी आएंगी, अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड भी आएंगे। क्लियर है? यहाँ पे आपके जनरेशन में आते हैं वो।
चलिए यस सर आगे बढ़ते हैं. अगर हस्बैंड मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हो तो आपकी जो वाइफ होगी उनके पिताजी आपके क्या लगेंगे? फादर इन लॉ. ससुर लगते हैं ना? फादर इन लॉ. फादर इन लॉ. फादर इन लॉ आएंगे. यस सर. और मॉम होंगी तो मदर इन लॉ. मदर इन लॉ. क्लियर है? क्लियर. यस. अगर एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो इनका ये लोग क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ. ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ. ग्रैंडफादर इन लॉ. और ये हो गया मदर इन लॉ. तो यहाँ पे आएगा ग्रैंडफादर इन लॉ. ग्रैंडफादर इन लॉ. ग्रैंडमदर इन लॉ. और ग्रैंड मदर इन लॉ. और ऊपर जाएंगे तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ. ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ. मदर इन लॉ. दादाजी के भाई रहेंगे तो भी ग्रैंडफादर ही होंगे ना. कैसे क्वेश्चन पूछ रहे सर? कैन आई से समथिंग? या यू कैन. actually we don't have any question in the family tree but that jo trick questions hota hai na like pointing towards that pointing question pointing to him he was my brother sister and ye we can cover all this question in the next section. First of all you have to understand that that particular family tree. Family tree. Don't go for the earlier. Just look at over there and you will get to know the how to solve these all the tricky questions. ओके अंडरस्टूड. यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है? सर लास्ट में लिखे ना. सर नहीं लास्ट में अभी लिखने का टाइम अभी मैं आपको दूंगा टाइम. लेकिन यहाँ तक समझा ना आपको कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ. देखो आपके जनरेशन में ब्रदर आते हैं, सिस्टर आते हैं, सिस्टर इन लॉ आती है, ब्रदर इन लॉ आती है. आपके जनरेशन में कजिन आते हैं, वाइफ आती है, हस्बैंड आते हैं, बरोबर. थोड़ा एक ऊपर जाएंगे फादर मदर आएंगे और यहाँ पे जाएंगे अंकल आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ. इन लॉ अगर आ गया ना समझ जाओ शादी हुआ है और उनके शादी वाले रिलेशन में आते हैं मतलब सास ससुर, ठीक है. और इसके ऊपर जाएंगे तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर. और यहाँ पे ससुर के पिताजी क्या होंगे? ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होंगे इन लॉ दोनों में. क्लियर. और इसके ऊपर जनरेशन में ग्रेट लगा दो, बाकी एज इट इज रहेगा. यहाँ तक किसी को डाउट पूछना है किसी को? नो सर. ओके चलो अभी नीचे बढ़ते हैं. नीचे वाले जनरेशन में जाते हैं. चलो कौन आएगा? सन आता है, सन डॉटर आती है, डॉटर इन लॉ. अगर सन की शादी होगी तो क्या कैसे होगी? डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ कैसे कहलाएगी? ये आपके अकॉर्डिंग कहलाएगी. आपके अकॉर्डिंग, ठीक है. अगर डॉटर की से शादी होती है तो क्या होता है? सन इन लॉ. मतलब दामाद हो गया, ठीक है. अभी यहाँ पे जाते हैं. आपका कोई भाई होगा कजिन, ठीक है ना. कजिन का अगर बेटा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्यू. नेफ्यू बोलते हैं. अगर बेटी होगी तो नीज बोलते हैं, ठीक है ना. क्लियर. ओके सर. मतलब इसके नीचे अगर जाएंगे तो क्या होगा? अगर इसका बेटे का बेटा जो होता है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन होता है. और बेटी हुई तो ग्रैंडडॉटर. अगर जनरेशन में जाना रहेगा तो ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडडॉटर. और नीचे जनरेशन में क्लियर है. और यहाँ पे ग्रेट नेफ्यू नहीं होता है, ग्रेट नीज नहीं होता है. तो ये साइड का ग्राफ एज इट इज रहेगा और ये साइड का ग्राफ ये यहाँ तक कंप्लीट होगा. आपको इसमें किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए अभी, नहीं तो फिर आपके आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. तो आप मुझे बताइए इसमें किसी को डाउट है? नो सर. ओके नए स्टूडेंट. अगर सर ये अगर मेरी कोई डॉटर हुई फिर उसके बच्चे हुए तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अगर आपके कोई डॉटर हुई और उसके बच्चे हुए तो यानी मैं नाना बनूंगा तो अच्छा ग्रैंडसन ही बोलेंगे. ग्रैंडसन ही बोलेंगे ना. अगर आप ग्रैंडसन आप नाना बन गए तो आपके जो पोते होंगे ग्रैंडसन होंगे. अगर पोते ही तो ग्रैंड डॉटर होंगे. आप खुद से रिलेट करिए. वेरी गुड.
खुद से रिलेट करेंगे ना बहुत बेहतर समझ में आएगा ये क्वेश्चन। यस सर। ओके, खुद से रिलेट करिए। आप हो, अगर आप हो, आप ओल्ड हो गए, आपके बेटा हुआ, बेटे का बेटा हुआ तो ग्रैंडसन, बेटे का बेटा हुआ ग्रैंड डॉटर, बेटा हुआ सन, बेटी हुई डॉटर, बेटे का शादी हो गया तो डॉटर इन लॉ बहु हो गई, बेटी का शादी हो गया सन इन लॉ दामाद हो गया। ऐसा रिलेट करो खुद से। मेरा मेरा भाई है, मेरे भाई के अगर बेटा हो गया तो नेफ्यू, अगर मेरे भाई के बेटी हो गई तो क्या होगी, नीज। ऐसा रिलेट करो, आप खुद से रिलेट करो इसको और ये नोट डाउन कर लो। हो गया सबका? बाकी है सर। हो गया सबका? यस सर। ओके, रफ करूं मैं? एक मिनट सर। हाँ हाँ सर। हो गया सर। ओके, सब तो हो गया, सभी लोगों का हो गया, रफ कर दूं? यस सर। यस सर। ओल्ड स्टूडेंट, आप मुझे क्वेश्चंस बताना जो लास्ट टाइम लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ, मिल रहा नहीं है मुझे, तो आप बता सकते हो क्वेश्चन पढ़ के? कोई बता सकता है कोई भी क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम लिया था?
यस सर. बताइए. एल इज मदर ऑफ जी. मदर ऑफ जी. जी इज द ओनली सन ऑफ टी. ओनली सन ऑफ टी. टी इज द फादर ऑफ पी एंड एफ. इज द फादर ऑफ पी एंड एफ. पी एंड एफ. एफ हाँ. I is married to J. I is married to J. J. हाँ. Okay. B is the only child of J. B is the only child of J. Child J. और हो गया. हो गया. हो गया. चलिए. इसको लिख लीजिए. क्वेश्चन से. सॉल्व मत करिए. लिख लीजिए. मैं आपको बताता हूं. ओके डन. हो गया. यस सर. चलिए थोड़ा सा एक रूल है. छोटा सा रूल है. रूल मतलब हम ना कैसे समझेंगे कि कोई मेल है या फीमेल है. कैसे समझेगा हम भाई है बहन है या हस्बैंड एंड वाइफ है. उसके लिए कुछ तो हम लोग को साइन देना पड़ेगा. क्लियर है. ठीक है. तो साइन देते हैं ना यहाँ पे एक साइड में नोट करके लिख लो. नोट करके ऐसा नोट लिखो और यहाँ पे डाल दो. अगर मेल हुआ तो प्लस साइन देंगे. अगर फीमेल हुई तो माइनस साइन देंगे. जिससे हमें यह समझेगा कि प्लस साइन दिया मतलब वो बंदा मेल होगा. अगर माइनस साइन दिया तो वो बंदी जो होगी वो फीमेल होगी. क्लियर है. अगर ब्रदर एंड सिस्टर अगर होंगे तो हम लोग अपोजिट एरो रखेंगे. अपोजिट एरो इजीली याद होगा क्योंकि ब्रदर और सिस्टर का एक दूसरे से जमता नहीं है. तो लोग अपोजिट एरो में रहेंगे. एंड हस्बैंड एंड वाइफ का साइन रखेंगे हम लोग इज इक्वल का. ठीक है. जिससे हमें ये समझेगा अगर मैंने फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल लूं तो अगर मैं बोलूं आर मेल है एस फीमेल है तो आप क्या करोगे पता है. आर के ऊपर प्लस का साइन डाल दोगे और एस के ऊपर माइनस का साइन डाल दोगे. जिससे ये समझेगा कि आर क्या है मेल है एस क्या है फीमेल है. क्लियर हुआ. चलिए अगर मैं आपको बोलूं ब्रदर और सिस्टर आर और एस ब्रदर और सिस्टर तो अपोजिट एरो डाल देंगे हम लोग. जिससे ये समझेगा आर जो है ये तो मेल था और एस जो थी माइनस थी. तो आर क्या हो गया ब्रदर हो गया एस क्या हो गया सिस्टर एक दूसरे के सिस्टर ब्रदर हो गए क्योंकि मैंने बीच में ये साइन डाला. ठीक है. अगर मैं बोलूं आर और एस हस्बैंड एंड वाइफ है तो मैं क्या करूंगा आर हस्बैंड है ना तो प्लस कर दूंगा. हस्बैंड मतलब मेल हो गया ना. ठीक है. हस्बैंड वाइफ का बीच का साइन हम लोग ले लेंगे इक्वल का और वाइफ हो गई माइनस. तो इससे क्या समझेगा आर जो प्लस में हो तो हस्बैंड हो गया और एस जो है वो माइनस में है वो क्या होगी वाइफ होगी. और ये हस्बैंड वाइफ का साइन मुझे किधर से मिला इक्वल से. बीच में मैंने इक्वल डाला इसके लिए हस्बैंड एंड वाइफ. क्लियर है यहाँ पे. यस सर. नाइस स्टूडेंट. क्लियर है. चलिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तभी आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चलो सॉल्व करते. ये नोट करके लिख लेना साइड में आपके टॉप पे लिख लेना. ब्लड रिलेशन जहाँ पे टॉपिक डाला है तो टॉप पे ये लिख लो. अगर आपका लिख के हो जाएगा तो बताइए. हो गया लिख के.
यस सर। चलो मैं रफ कर रहा हूँ इसको, रफ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, सॉल्व करता हूँ। चलो यहाँ पे पढ़ो, एल इज द मदर ऑफ जी। तो हमने फैमिली ट्री में क्या किया था, मदर का जनरेशन किधर आ रहा था, ऊपर वाले साइड में आ रहा था ना, फादर मदर। तो मैं क्या करूंगा, एल इज द मदर ऑफ जी। हाँ बोलिए। अरे सर नेटवर्क चले गया था, वापस से आप बता सकते हो? कौन सा कहाँ मतलब? नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग से बस, खाली जस्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन हुआ था, नोट हो चुकी है बस, जस्ट स्टार्टिंग से। चलिए देखिए यहाँ पे, एल इज द मदर ऑफ जी, मतलब हमने क्वेश्चन में यही सीखा था ना ग्राफ में, फैमिली ट्री में, कि जो पप्पा होते हैं मम्मी होती है हमारे ऊपर वाले जनरेशन में आते हैं, फादर और मदर को कौन सी जनरेशन में आते हैं, प्लस वन जनरेशन में आते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा था ना, फादर और मदर ट्री में। तो हमें क्या होगा, एल इज द मदर ऑफ जी, मतलब एल क्या है, माँ है किसकी, जी की। तो एल को हम लोग क्या करेंगे, माँ है तो एल माँ मतलब कौन होंगे, फीमेल होंगे, तो फीमेल का साइन क्या है, माइनस, तो ऊपर माइनस कर देंगे, और किसकी माँ है, वो जी की माँ है, तो जी की माँ है, तो हम लोग जी को किधर लेंगे, नीचे लेंगे, जिससे ये समझेगा हमारे ऊपर वाले जनरेशन में आएंगी हमारी माँ, एल इज द मदर। ये समझा सबको? यस सर, यस सर। लेकिन क्या हमें पहले लाइन पढ़ने से जी का जेंडर पता चला कि ये मेल है या फीमेल है? नहीं सर, नहीं पता चला। चलिए आगे बढ़ते, जी इज द ओनली सन ऑफ टी। अभी देखिए पता चल गया ना, जी क्या है, ओनली सन, सन मतलब क्या हो गया, मेल हो गया। अब जब बंदा मेल हो रहा है तो हम उसको साइन क्या डालेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, तो जी के ऊपर क्या डालो, प्लस का साइन डालो। और ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, और कोई इसको बेटा नहीं होगा, लेकिन बेटी हो सकती है, ओनली सन बोला है, समझ रहे हो आप। जी इज दी ओनली सन ऑफ टी, मतलब जी क्या है, ओनली सन है, ओनली सन मतलब इसके अलावा और कोई सन नहीं, लेकिन डॉटर हो सकती है, क्लियर है, लेकिन किसका है, जी इज दी ओनली सन ऑफ टी। तो टी क्या हो जाएगा, अगर एल इसकी माता है तो टी क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, बरोबर ना? यस सर। तो और एल अगर माँ है, टी पप्पा है, तो बीच में हस्बैंड वाइफ हो गई है, और हस्बैंड वाइफ का साइन क्या था, इज़ीक्वल हमने कर दिया, जिससे हमें ये समझेगा कि एल माँ है और इज़ीक्वल के मतलब हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों के बीच का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का आ गया, और टी प्लस मतलब हो गए हैं फादर हो गए, और जी इनका सन होगा क्योंकि प्लस का साइन दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, सन हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट है? ठीक है, टी इज द फादर ऑफ P and F, तो T is the father of किसके पापा होंगे, ये P के होंगे, और किसके होंगे, F के होंगे। आप मुझे बताइए ये P और F प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे? माइनस में सर। माइनस में आएंगे, वेरी गुड। माइनस में क्यों आएंगे, क्योंकि ये because G is the only son, only son था। तो देखिए मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, लेकिन इन दोनों इन लोगों का ब्रदर एंड सिस्टर का साइन भी तो रखना होगा ना बीच में, तभी तो मुझे समझेगा ना, ये लोग आपस में ब्रदर और सिस्टर है, तो मैंने ये साइन बीच में रख लिया, इनके बीच में भी ये साइन डाल दिया, जिससे मुझे ये समझा कि ब्रदर और सिस्टर का ये अपोजिट एरो था, जिससे मुझे ये समझा जी ब्रदर होगा पी का, और पी सिस्टर होगी एफ की। क्लियर यहाँ तक? नहीं सर, थोड़ा वापस बताइए। मुरली नहीं समझा? नहीं। देखिए यहाँ तक समझा था क्या, यहाँ तलक? हाँ, वो उधर तक हाँ समझा था। ठीक है, आगे पढ़िए, टी इज द फादर ऑफ पी एंड एफ। तो टी पहले यहाँ तक था, ठीक है ना, टी इज द फादर ऑफ पी एंड एफ। तो एक बात बताओ, टी जो है फादर है पी एंड एफ का, जी इज द ओनली सन ऑफ टी, जी इज द ओनली सन ऑफ टी है ना, ये नहीं होता, जी इज द ओनली सन ऑफ टी, ओनली सन होगा। अगर एल मदर है जी का, तो मदर मदर से शादी तो नहीं करेगी, क्लियर है, वो लॉ है, वो बात अलग है, लेकिन इसमें नहीं पूछता है, ठीक है। वो एल जो है अगर मदर है तो शादी सीधी सी बात है वो कोई मेल से करेगी वो, तो एल इज द मदर ऑफ जी, मतलब एल जो है माता है जी की,
जी इज द ओनली सन ऑफ टी, मतलब एल जो है, मतलब जी जो है वो सन है किसका, ओनली सन टी का। तो जाहिर सी बात है अगर एल माँ है जी की और टी का बेटा जी है तो एल और टी के बीच में क्या रिलेशन होगा, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होगा। क्लियर यहां तक? चलिए टी इज द फादर ऑफ पी एंड एफ, तो टी किसका पप्पा होगा, पी और एफ का पप्पा होगा। लेकिन मैंने इसको माइनस क्यों किया, मतलब मैंने इनको फीमेल क्यों कहा, क्यों कहा, इसके लिए मैंने कहा क्योंकि जी इज ऑलरेडी ओनली सन, ओनली सन है मतलब, ओनली सन मतलब इकलौता बेटा है, तो पी और एफ क्या हो गई, बेटी हो गई, फीमेल हो गई। लेकिन आप बताओ जी और पी के बीच रिलेशन क्या कहलाएगा फिर, तो ब्रदर सिस्टर का क्या ये है साइन, अपोजिट एरो, हम लोग बीच में अपोजिट एरो यहाँ पे पुट करेंगे जिससे हमें समझेगा कि ये ब्रदर और सिस्टर है। क्लियर हो यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। I is married to J. B is T होगा। नहीं यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। चलो P is married to J, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, P is married to J। चलिए यहाँ पे सब लोग करेक्ट कर लो यहाँ पे। मुरलाली ने बताते वक्त शायद उसका मिस्टेक हो गया। प्लीज मैरिड टू जे कर लो। सब लोग ने कर लिया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर हो गया था, क्लियर ना? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, पी इज मैरिड टू जे। आप बात बताइए, पी तो फीमेल थी ना? हाँ, थी, तो शादी किससे करेगी, ऑब्वियसली बात है कि वो मेल से करेगी, मेल से करेगी। ठीक है, तो पी अगर फीमेल है और ये जो मेल है, हस्बैंड एंड वाइफ बनेंगे, मैरिड किया और हस्बैंड एंड वाइफ का साइन क्या था, बीच का रिलेशन इक्वल आएगा और जे जो हो जाएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पी और जे क्या हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? चलिए बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जे। अगर बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जे, क्या ये सेंटेंस पढ़ने से मुझे बी का जेंडर पता चला क्या? नहीं, नहीं पता चला। तो इसको मैं एज इट इज रखूंगा, एज इट इज रखूंगा, मैं यहाँ पे इसको एज इट इज रखूंगा, कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट इस ग्राफ में? नो सर। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बताओ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर वन, और मैं क्वेश्चन में आपको एक एक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान देना होता है। चलो मैं बताता हूं, रिलेटेड टू एल। रिलेटेड टू सर, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिए हैं आपने? नहीं नहीं मैं कुछ और ले रहा हूँ। सर स्क्रीन कैसे दिखेगा, फुल नहीं हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? स्क्रीन पे डबल क्लिक कर भाई, साइड स्लाइड करके, स्लाइड करके ना डबल क्लिक करोगे तो पिन हो जाएगा। हो गया। ओके चलिए यहाँ पे ना आंसर बताइए, बताइए मत, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन सर डॉक्टर, नहीं नहीं आंसर मत बताइए, मैं नए स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। हाउ इज एफ रिलेटेड
विद रेस्पेक्ट टू टी, देखिए विद रेस्पेक्ट टू बोला ना, जब भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, विद रेस्पेक्ट टू मतलब क्या होगा पता है? विद रेस्पेक्ट टू मतलब टी के अकॉर्डिंग, टी के अकॉर्डिंग एफ का रिलेशन क्या होगा? जब भी आपको विद रेस्पेक्ट टू आया ना, उसके आगे वाले के अकॉर्डिंग लेना है, समझ गए? हाउ इज एफ, एफ क्या लगेगा विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आपको टी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा एफ क्या लगेगा। तो टी के अकॉर्डिंग एफ क्या लगेगा? डॉटर, डॉटर बरोबर। अगर मैं आपसे पूछू हाउ इज एफ रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या लगेगी एफ क्या लगेगी विद रेस्पेक्ट टू बी? तो आपको बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जिसका बोला ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो बी के जगह पे आप खुद को आ जाओ और खुद से रिलेट करो कि एफ क्या लगेगी। एफ क्या लगेगी मतलब मम्मी की, मम्मी की बहन क्या कहलाती है? आंटी कहलाती है, आंट हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलू हाउ इज जे रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू जी, हाउ इज जे रिलेटेड टू विद रेस्पेक्ट टू जी? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग मतलब जी के अकॉर्डिंग जे क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं हाउ इज जी रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू जे, क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। हाउ इज एल रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू जे? Son in law. Son in law. Mother in law. Mother in law. Son in law किसने कहा था? Mother in law sir. मैंने बोला था. Okay विराज, देखिए यहाँ पे with respect to J बोला, तो J के according L का relation क्या होगा? Mother in law. L का relation देखो क्या होगा? Mother in law. Mother in law. Wife की माँ. Wife की माँ क्या होगी? Mother. Mother in law. Mother नहीं. Mother in law. हाँ ठीक है। अगर मैं पूछू, अगर मैं पूछू हाउ इज बी रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू टी, हाउ इज बी रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू टी? ग्रैंड चाइल्ड ना, जेंडर है क्या इसका? नो सर, नो, कैनॉट डिटरमाइन, नहीं कैनॉट डिटरमाइन, हाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, सी एन डी आएगा। क्यों? क्योंकि बी का रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन कैसे बोल सकते हो? अगर आपके ऑप्शन में आता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑप्शन आ गया यहाँ पे और ये प्री में CND आएगा, नहीं बता देता हूँ मैं, ये प्री में ना दो से पांच मार्क ही आता है, दो से पांच मार्क, या तो फिर दो मार्क ही आएगा या तीन मार्क ही आएगा या तो फिर पांच मार्क ही आएगा। और मैं SBI मेंस का दिया था मैंने एग्जाम, ये मुझे पांच मार्क लिए मेंस में आया था कोडेड, और मैंने आपका ये ओल्ड स्टूडेंट कवर किया था, सेम क्वेश्चन आया, ठीक है। मेंस में पांच मार्क के लिए भी आता है कभी कभी, लेकिन प्री में आपका ये क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखिए यहाँ पे बी का कोई जेंडर नहीं था। अगर मैं आपको ऑप्शन में दे दूं, यहाँ पे आ गया ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड डॉटर, ये हो गया सन, ऑप्शन नंबर डी हो गई डॉटर, ऑप्शन नंबर ई हो गया आइदर आइदर ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। आप क्या टिक मारोगे? ई, ई आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो ये हो सकता है या तो हो सकता है, ठीक है। तो या तो ग्रैंड सन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा, क्लियर। तो आप किस पे टिक करोगे? ई पे टिक करोगे। अगर आपके क्वेश्चन में और ये अगर दे दिया सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आइदर वन और टू, सॉरी आइदर वन और टू कुछ, हाँ तो मैंने लिया था ना आइदर आइदर लिया था ना यहाँ पे क्वेश्चन ग्रैंड सन या और ग्रैंड डॉटर लिया था ना मैंने यहाँ पे, तो आप टिक करो। ओके ओके, या तो आपके ऑप्शन में ऐसा आता है आइदर ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू, तो ऑप्शन नंबर वन आइदर ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर टू ग्रैंड डॉटर, तभी आप टिक कर सकते हो, क्लियर है। अगर आपके यहाँ पे आ गया सी एन डी तो आप क्या टिक करोगे?
सीएनडी सीएनडी टिक करना आप ऐसा ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर टिक मत करेंगे सैंपल क्वेश्चन तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए अब इसका क्वेश्चन लेते हैं और कोई क्वेश्चन है तो बताइए आगे मृणाल ये बताइए आपके पास बताइए एल इज द डॉटर ऑफ के एल इज द डॉटर ऑफ के एल इज मैरिड टू डी इज मैरिड टू डी बी इज द सन ऑफ डी बी इज द सन ऑफ सर बी 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 आएगा उधर बी इज द सन ऑफ डी डी टी इज द मैरिड टू बी पी टी टी T T for टमाटर हाँ T is married to B how is D related to T how is D related to T चलिए क्वेश्चन मत लिखिए नहीं नहीं ऑप्शन बहुत क्वेश्चन निकालेंगे ये सॉल्व करिए ऑल स्टूडेंट भी ट्राई करो फटाफट ट्राई कर लो आप लोगों तो आराम से कर सकते हो अगले लेक्चर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ थोड़ा डिफरेंट न्यू स्टूडेंट ट्राई करिए इसको जेंडर पे मार्क करना मत भूलिए और अगर ब्रदर सिस्टर है तो उसका साइन बीच में डालना मत भूलिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ब्रदर है या सिस्टर है या हस्बैंड वाइफ है वाइफ हो सकता है आंसर नहीं मैंने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं आप सिर्फ ग्राफ बनाइए हो गया सर ग्राफ हो गया ओके विराज का हो गया और किसी का डिंपल का हो गया चलिए हो गया सर हो गया सर सुकृत का भी हो गया हो गया सर सबका हो गया रोहित यस सर रोहित हो गया रोहित मलिक हाँ हो गया हो रहा है सर हो रहा है ना आप करिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दूंगा क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करवाना है करिए सर आराम से थोड़ा टाइम लीजिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए पहले शुरू शुरू में टाइम लगेगा लेकिन बाद में आप धीरे धीरे कर सकते हो आराम से टाइम लीजिए एक एक लाइन पढ़िए उसको प्रॉपर ग्राफ बनाइए सेकेंड लाइन को पहले वाले लाइन से रिलेट करके देखिए क्या वो रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा रोहित तो आपका हो जाएगा तो मुझे बताइए हो गया सर चलिए चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए एल इज डॉटर ऑफ के तो एल क्या है डॉटर है तो डॉटर मतलब क्या हो जाएंगी फीमेल हो जाएंगी बरोबर डॉटर है मतलब नीचे वाले जनरेशन में आएंगी तो के होगा उनका या तो फादर हो सकता है या मदर हो सकता है क्या पहले लाइन से पढ़ने से हमें के का जेंडर पता चला क्या नो पता मतलब पता नहीं चला चलिए एल इज मैरिड पता नहीं चला हाँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एल इज मैरिड टू डी अगर एल मैरिड कर रही है मैरिड का साइन क्या होगा इज इक्वल तो इज इक्वल कर दिया किससे शादी कर रही है वो डी से लेकिन एक बात बताइए तो क्या इसका जेंडर मुझे पता चला क्या है क्या होगा डी का मेल होगा ना हाँ पता चला अगर ये फीमेल हुई तो ऑटोमेटिक मेल हो जाएगा आप एलजीबीटीक्यू के हिसाब से मत चलिए वो लॉ के हिसाब से मत चलिए ठीक है चलिए ये बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बी इज दी सन ऑफ डी
बी इज दी सन ऑफ डी, तो बी क्या हो गया सन हो गया, सन का मतलब जेंडर पता चल गया, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। टी इज मैरिड टू बी प्लस, तो इज इक्वल हो जाएगा, मैरिड मतलब क्या होता है हस्बैंड वाइफ और इज इक्वल का साइन आएगा, तो किसने शादी किया टी ने शादी किया, तो टी का जेंडर क्या होगा पता चल रहा है क्या, फीमेल, फीमेल हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, आप बताइए हाउ इज के रिलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट से के का क्या रिलेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब सर वेरी गुड, उज्ज्वला का सीएनडी आ गया, न्यू स्टूडेंट सीएनडी क्यों लिया पता चला, सीएनडी के का जेंडर नहीं दिया, वेरी गुड। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू के, हाउ इज बी रिलेटेड टू के, इसका भी सीएनडी आएगा ना सर, ग्रैंडसन सर, ग्रैंडसन आएगा, ग्रैंडसन आएगा क्योंकि जेंडर तो बी का दिया हुआ है ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू विद रेस्पेक्ट टू के के अकॉर्डिंग बी का रिलेशन क्या है, ऐसा नहीं पूछा कि बी का रिलेशन मतलब बी के अकॉर्डिंग के का रिलेशन नहीं है, ओके हां हां यस। देखिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए यहां पे आकर क्लियर हुआ क्या कि नहीं क्लियर हुआ यहां पे, हां क्लियर हुआ सर, चलिए फिर मैं समझाने की बात ही नहीं आती, चलो रोहित अभी आप ही आंसर करोगे बाकी कोई आंसर नहीं करेगा, चलिए बताइए हाउ इज डी रिलेटेड, तो कुछ है ही नहीं, चलो मैं और एक लाइन बढ़ा देता हूँ, सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था वही लीजिएगा, डी रिलेटेड टू टी, नहीं मैं और मैं क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, आप लिखो मत इसको, एल ए इज सिस्टर ऑफ एल, तो एल की सिस्टर कौन होगी ए होगी, सिस्टर मतलब फीमेल, बरोबर। चलिए रोहित, रोहित ही जवाब दीजिएगा और कोई जवाब नहीं देगा, रोहित मलिक, चलिए रोहित मुझे बताइए हाउ इज ए रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू डी, डॉटर इन लॉ, नहीं सर, देखिए ये ए है और डी यहाँ पे है, तो ये सेम जनरेशन में, आप इतना ध्यान रखिए कि ये सेम जनरेशन में, ठीक है ना सर, तो देखिए यहाँ पे डी की वाइफ कौन है एल, एल और वाइफ की बहन, मतलब आप इमेजिन करिए आपकी शादी हो गई है, आपका नाम डी है, हाँ। आपकी शादी हुई है एल के साथ और एल की सिस्टर ए, तो आप इमेजिन करिए ना आप हो गए आपकी वाइफ की सिस्टर हुई सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वेरी गुड सिस्टर इन लॉ, हाँ आपको ऐसे रिलेट करना हर क्वेश्चन में आपको आता है, लेकिन कैसा है ना कि आप थोड़े से कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन आपने कंफ्यूजन वर्ड दिमाग से निकाल दो, आराम से टाइम लो चलेगा ना, एक क्वेश्चन को आप एक घंटा दो चलेगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन बनने शुरू होगा एक घंटा दो मिनट में कब कन्वर्ट होगा पता नहीं, चलिए और एक बताइए मुझे, सपोज रोहित आप ही आंसर करिएगा, उसका ए का डॉटर है, ए का डॉटर है ई, ए का डॉटर है ई, तो मैं आपसे पूछूं हाउ इज ई रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू डी, क्या लगेगा आराम से आंसर करिए, रॉन्ग आंसर नहीं किए भले तो पांच मिनट एक्स्ट्रा ले लो, रिलेट करिए इससे, डॉटर इन लॉ नहीं आएगा, डॉटर इन लॉ आप देखिए यहाँ पे आपने विद रेस्पेक्ट टू डी बोला है ना, तो आप क्या करो मालूम है, आपने वेरी सिंपल क्या करो, आप डी के जगह पे खड़े हो जाओ, जिसके रेस्पेक्ट में बोला ना आप उसके जगह पे आ जाओ, ठीक है ना, आप उसके जगह पे इमेजिन करो, आप इधर आ गए डी के जगह पे, आप इमेजिन करो आपकी वाइफ है एल, वाइफ की बहन, बहन का बेटी, बहन की बेटी, बहन की बेटी मतलब वाइफ की बहन, बहन की बेटी, वाइफ की बहन की बेटी, क्या लगेगी वाइफ
सिस्टर सिस्टर कैसे होगी, सिस्टर सेम जनरेशन में आता है। नीज आपके चाचा के लड़के होंगे तभी नीज होगा। नीज नीज हाँ नीज कैसे होगा। नीज कैसे होगा पता है, अगर सपोज आप डी हो और डी का ये ब्रदर हो गया ए और ए का ए ब्रदर हो गया नहीं सिस्टर हो गई और उसका डॉटर हो गया ई। अब बताइए क्या आंसर आएगा, इसका मैं बताता हूँ, इसका बताइए नीज का आंसर बताइए क्या होगा, नीज होगा कि नेफ्यू होगा। ये नीज होगा। नीज होगा क्यों नीज होगा, क्योंकि आपकी जो सिस्टर है वो सिस्टर बहन की बेटी, तो हाँ, आपकी जो बहन होगी बेटी। उनकी बेटी मतलब भतीजी। हाँ भतीजी बोलते हैं ना। हाँ भतीजी, भतीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीज बोलते हैं। अगर मेल हुआ तो क्या बोलेंगे, नेफ्यू भतीजा होगा। तो आप अपने आप को प्लेस करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे ना, सपोज इसे रेस्पेक्ट टू डी बोला तो आप उसके जगह पे खड़े हो जाओ और फिर आंसर निकालने की कोशिश करो। जैसे आप रिलेट करो तो आप उसको रिलेट करो, ये मेरा भाई है ये मेरी बहन है, तो चेक करो ये मेरी बहन होगी, बहन की बेटी, फिर बहन की बेटी होगी भतीजी। अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो आप इसी में रिलेट करो, बहन की बेटी होगी भतीजी और भतीजी का मतलब होता है नीज। अगर भतीजा होगा तो नेफ्यू। क्लियर। चलिए अगर मैं आपको पूछूं मतलब मेरे बहन का लड़का हुआ तो नेफ्यू, नेफ्यू अगर आपके भाई का लड़का हुआ तो भी नेफ्यू और आपके बहन का लड़का हुआ तो भी नेफ्यू। ओके सेम थिंग यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है okay. और चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, बाकी लोग आंसर करिएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर डी का ब्रदर है ए, ए की शादी हो रही है ई से, तो ये फीमेल हो जाएगी ऑटोमेटिक। हाँ ठीक है। इसका बेटा है एच, इसका बेटा है एच और इसका भी बेटा है जी। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज जी रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू डी विद रेस्पेक्ट टू के, रेस्पेक्ट टू के बताइए हाउ इज जी रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू के, क्या आएगा। ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन इसका था डिंपल, डिंपल जोशी नहीं तो स्नेहल। ग्रेट ग्रैंडसन रोहित आपको समझा कैसे किया मैंने सर, वो के का जेंडर नहीं दिया है ना। नहीं नहीं देखिए मैं क्वेश्चन में आपसे ले गया जी के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, हाउ इज जी रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू के, के के रेस्पेक्ट में आप क्या करो, के की जगह पे आ जाओ आप। हाँ। रोहित हो यहाँ पे, रोहित आप प्लेस हो गए यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे आपको किससे रिलेट करना है, जी से रिलेट करना है, जी से रिस्पेक्ट। ठीक है आप देखो आपका बेटी है एल, आपने इमेजिन करो जैसे मैंने बताया था यू आप थे। हाँ। आपके जनरेशन में भाई बहन थे, उसके ऊपर फादर थे, उसके ऊपर भी क्या थे ग्रैंड फादर, तो आपके जो नीचे आ रहे वो क्या होंगे, आपके बेटे होंगे, बेटे होंगे बरोबर। उसका और एक जनरेशन नीचे गया तो आप क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गया ना तीसरा जनरेशन। पहला जनरेशन यहाँ पे आया, ये फादर हो गया, उसका पिताजी का पिताजी क्या कहलाएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। और एक जनरेशन नीचे गए तो क्या कहलाओगे, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड। हाँ ठीक है। ये अगर नहीं समझ रहा है तो आप ऐसा करो, आप यहाँ पे इमेजिन करो कि आप यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, आपके बेटी, आपके बेटी के यहाँ पे भाई, भाई का लड़का, उसका लड़का, आपके बेटी, आपकी बेटी मतलब एक जनरेशन नीचे होगी, आपकी बेटी एक जनरेशन नीचे, तो आपके बेटी के भाई, बेटी के भाई मतलब क्या होंगे, आपके बेटे ही होंगे ना। हाँ आपके बेटे के बेटे का बेटा, ग्रेट ग्रैंडसन। क्लियर है रोहित। हाँ थोड़ा टाइम लो सर, ऐसे पूछा तो हाउ इज H related respect to K, तब grandson ही होगा ना सिर्फ। H related grandson, very good। हाँ grandson, वे grandson होगा, clear है।
चलिए अगर मैं आपसे पूछूं ना, मतलब और क्वेश्चन देखते इसमें क्या बन सकता है, ये भी अगर मैं पूछूं, चलिए बताइए, हाउ इज टी रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू के, बताइए क्या होगा, हाउ इज, रोहित बताइए मुझे क्या होगा, हाउ इज टी रिलेटेड, टी को देखो यहाँ पे माइनस में है, रिस्पेक्ट टू के, आप यहाँ पे आ जाइए, आप इसको रिलेट करिए, आपकी बेटी ठीक है, आपकी बेटी उसका मतलब भाई, मतलब उसकी सॉरी ये हस्बैंड, मतलब दामाद, आपका दामाद, आपके दामाद का बेटे का वाइफ, तो क्या लगेगी, बेटे का वाइफ क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, आंसर मत करो, वही देखो यहाँ पे सिंपल है, आप इमेजिन करो आप यहाँ पे हो ना, आपकी बेटी होगी ठीक है, आपके बेटी की शादी डी से होगी ठीक है, डी सपोज डी कोई बंदा है तो आपका डी क्या लगेगा, पहले इसको रिलेट करो, आपका डी क्या लगेगा, दामाद लगेगा ठीक है, दामाद का बेटा क्या लगेगा, आपका दामाद का बेटा क्या लगेगा, आपका ग्रैंडसन इन लॉ कभी होगा, जब आपके बेटी का कोई बेटा होगा या बेटी का हो तो ग्रैंडसन होगा, ये आपके दामाद का बेटा है ना, ग्रैंडसन इन लॉ, और उसकी वाइफ आपकी क्या कहलाएगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ अगर सपोज इसका भी कोई नीचे जनरेशन होता, सपोज यहाँ पे एच ने शादी किया ई से और एच मेल है और ये फीमेल, अगर मैं आपसे पूछता हाउ इज ई रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू के, तो इधर से अगर चेक करोगे यहाँ पे तो ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर, वेरी गुड, क्लियर हुआ, चलिए ये स्टेप वापिस से बताओ ना, किसका बताओ, ये ग्रेट डॉटर इन लॉ का, ग्रेट डॉटर इन लॉ कैसे आई, देखिए मैं बताता हूँ, ये के रिस्पेक्ट में पूछा था मैंने इससे पहले का क्वेश्चन में, टी का पूछा था ना, हाउ इज टी रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू के, देखिए के यहाँ पे हो आप, किसने क्वेश्चन पूछा था, ये विराज, अनस सर, अनस मोमिन, ओके अनस यहाँ पे देखिए, के रिस्पेक्ट में पूछा है ना कि मतलब के रिस्पेक्ट में टी क्या लगेगा, बरोबर ना, यस सर, ओके ना, टी हाउ इज टी रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू के, मतलब के रेस्पेक्ट में टी क्या लगेगा, यही पूछा है ना, आप यहाँ पे जाओ, ये आपकी होगी बेटी और ये हो गया बेटी के दामाद का बेटा, आपका क्या कहलाएगा सर, बेटी के दामाद का कि बेटी के हस्बैंड का, बेटी के हस्बैंड का बेटा क्या कहलाएगा, तो सर बेटी का हस्बैंड का लड़का है तो सर मेरा बेटी का भी तो लड़का ही होगा ना, नहीं एक मिनट बात बताओ, ये बेटी है, ये रिलेटेड टू डी है ना, आप देखिए यहाँ पे बेटी है एल और एल ये हो गया मेल, ये आपका दामाद हो गया, हाँ सॉरी हाँ तो वही कंफ्यूजन थी मेरे को, सॉरी सॉरी, ये हो गया आपका ग्रैंड नहीं होगा, ये आपका ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर होगी, सॉरी लेकिन ये ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहलाएगी, फिर भी पी जो रहेगी वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ ये कहलाएगी, आपका बी जो रहेगा वो आपका ये कहलाएगा ग्रैंड सन कहलाएगा, टी तो ग्रैंड डॉटर ही कहलाएगी, यस सर, ये तो ग्रैंड डॉटर ही कहलाएगी ना मोमिन, यस सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भैया, लेकिन मैंने क्वेश्चन यही क्या पूछा था, मैंने क्वेश्चन इससे पहले नीचे ई था, तो क्वेश्चन ये था आपने, नहीं इससे पहले, ई के पहले, हाँ तो ग्रेट ग्रेट डॉटर इन लॉ ही कहलाएगी ना, ये देखो ग्रेट डॉटर इन लॉ ही कहलाएगी ना आपके, आपकी क्या कहलाएगी, हाउ इज, यही पूछा था ना, हाउ इज टी रिलेटेड टू के, Yes, sir. How is T related to K पूछा था ना मैंने, कि मैंने क्या कुछ और पूछा था रोहित, मेरे को याद नहीं आ रहा, रोहित मैंने क्या पूछा था, यही पूछा था, हाँ, तो देखो ना फिर भी तो यही आ रहा ना, K का बेटी, इसका रिलेशन कोई चेंज नहीं होगा, दामाद के नजरिए से देखिए या बेटी की तरफ से देखिए,
आपका बेटा कौन होगा? ग्रैंडसन कौन होगा? बी होगा, बी होगा ना, ग्रैंडसन बी होगा। उसकी जो वाइफ होगी तो क्या होगी? ओके सर, नाउ क्लियर। यस हां सर, अब क्लियर हुआ सर। ओके ठीक है। अभी इसका अगर मैं पूछूं, इसके नीचे भी क्वेश्चन दिया था ना, किससे शादी करवाया था? ई और ई से, ई और ए किसका था? एच का पकड़ लो। चलो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो एच का ही पूछा था ना मैंने, हाउ इज एच रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू के, तो भी तो वही होगा ना, ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ। यस सर, रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में देखो, कोई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था मुझे याद नहीं आता, क्योंकि मैं क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते रहता हूं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। यस यस सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से अच्छा है मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ, एक बार ना ग्राफ बता देता हूँ फिर से, अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। देखिए आप मुझे बताइए, आपके जनरेशन में कौन आता है? ब्रदर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। देखिए आपके जनरेशन मतलब आप यहाँ पे हो गए फॉर एग्जांपल यू, तो आपके साइड में ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ प्लेस होंगे, यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर प्लेस होंगे। अगर आपके ऊपर जनरेशन रहेगा तो फादर मदर ऊपर वाले प्लेस होंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग प्लेस कर रहे थे, जैसे बोल रहा था ना क्वेश्चन में एल इज द मदर ऑफ के, तो एल को ऊपर प्लेस किया था क्योंकि मदर ऊपर आती है जनरेशन ऊपर, ठीक है। तो ऊपर वाले जनरेशन में कौन आता है? मदर, फादर, फादर, अंकल, आंट, आंट, आंट। देखो अंकल आंट बहुत सिंपल लैंग्वेज है, हर किसी को हम लोग आंटी और अंकल बोलते हैं, बरोबर ना, हर किसी को बोलते हैं। लेकिन हमारे जो जितने भी भाषा है रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी मतलब हमें बहुत रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी डाउट आते हैं किसको अंकल बोलू किसको मतलब चाचा बोलू फूफा बोलू क्या मतलब दूर का जीजा बोलू क्या लगता है मुझे भी नहीं पता चलता है। लेकिन अंकल आंट बोलने बहुत इजी पड़ता है, अंकल आंटी बोल दिया बहुत अच्छा लगता है। तो ये कोई भी होगा मदर फादर याद रखो, ब्रदर सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ याद रखो, बाकी जो भी होंगे अंकल आंटी होंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा है? यस सर, यस सर, क्लियर तो हो रहा है, मतलब कुछ डाउट है क्या? चलो चलो ऊपर जनरेशन में आते हैं, मदर और फादर है, तो ऊपर जनरेशन में कौन आएगा? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। और ऊपर और जनरेशन में जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ये रोहित ने लास्ट टाइम में भी ऐसे ही बोला था, एक्साइटेड हो जाते हो सर, लेकिन यहाँ पे याद रखो। चलिए अंकल और आंटी आ गए, लेकिन हमारे जनरेशन में कजिन भी तो आते हैं ना? कजिन आती है, वाइफ आती है, हस्बैंड आते हैं। तो वाइफ के पप्पा जो होंगे हमारे क्या लगेंगे? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। और उनके भी ऊपर वाले जनरेशन में अगर हम लोग गए तो फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। और भी ऊपर गए तो ग्रेट लगा देना, ग्रेट ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ। चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब फिर भी याद रखने के हिसाब से रख लीजिए। नीचे जाएंगे सन आएंगे, सन डॉटर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ और सन इन लॉ, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर। उसके नीचे जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडडॉटर, डॉटर। भाई के जो बेटी होगी उसको क्या बोलेंगे? नीस। अगर भाई का बेटा होगा तो क्या होगा? नेफ्यू। सेम गोज टू बहन को भी, मतलब मेरी जो बहन होगी और उसको बेटा हुआ तो नेफ्यू, अगर मेरी बहन को बेटी हुई तो नीस, अगर मेरा भाई है तो बेटा होगा तो नेफ्यू, बहन अगर भाई को बेटी हुई तो नीस। समझ गए? मतलब ये मेरे भाई को बेटा हुआ तो भी नेफ्यू, बेटी हुई तो भी नेफ्यू। नहीं, भाई को अगर बेटा हुआ तो नेफ्यू, बेटी हुई तो नीस, नीस,
अगर आपकी सिस्टर है और हाँ बेटा हुआ तो नेफ्यू, बेटा हुआ तो नेफ्यू, बेटी बेटी हुई तो नीज। ओके चलिए ये था आपका टी मतलब ग्राफ फैमिली ट्री। अब मैं ना आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखिए फादर मतलब होता है पिता, मदर माँ, बाबा बोलते हैं ना मराठी में, आई आई सिस्टर हुई तो बहन 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 ठीक है, और ब्रदर हुआ तो भाई और भाऊ भाऊ, और ये तो हो गया ब्रदर, सेम जनरेशन में आ गए। हाँ अभी लेते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ अगर हिंदी में लेंगे तो जीजा, जीजा हमारे रिलेटेड करना है, हमें रिलेट करना है मतलब मैं मेरे हिसाब से क्या लगा ठीक है, और मराठी लैंग्वेज में भाऊ जी बोलता है, भाऊ जी, भाऊ जी ठीक है, और सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ है तो भाभी, नहीं नहीं एक मिनट नहीं सर, ब्रदर इन लॉ तो क्या होता है मेरी बहन का हस्बैंड, डाली बोलेंगे ना सर सिस्टर इन लॉ, सर ब्रदर इन लॉ मतलब बहन का हस्बैंड ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जीजू ही बोलते हैं, साला कैसे आएगा सर, छोटा रहेगा तो साला होता है और बड़ा रहेगा तो जीजू, ऐसे कुछ तो है मतलब जीजू पकड़ो चलो जीजू ठीक है, मतलब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, मैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर सिस्टर इन लॉ हुई मतलब भाई की वाइफ तो भाभी हो जाएगी ना, और इधर आ गई वही इन लॉ को देवर बोलेंगे और सिस्टर इन लॉ को साली बोलेंगे ना, नहीं 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 मतलब आप इमेजिन करो आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, आपके ब्रदर होंगे, ब्रदर की वाइफ जो होंगी तो आपकी क्या लगेंगी, भाभी लगेगी ना सर, भाभी लगेंगी, तो आपके अकॉर्डिंग सिस्टर इन लॉ भाभी आपके अकॉर्डिंग है सर, ये सब आपके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू यू ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इमेजिन करना है ठीक है ना, मतलब मेरे मेरा ब्रदर इन लॉ क्या लगेगा, मतलब मेरा वाइफ का मेरा बहन का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ कह रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग क्या लगेगा, जीजू जीजू जी, और मेरे भाई मेरे मेरे भाई की वाइफ तो मेरे अकॉर्डिंग क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी और वही नहीं ठीक है ना, अभी अभी ये हो गया सेम जनरेशन, अब आते हैं नीचे वाले जनरेशन, ऊपर वाले जनरेशन में तो फादर हो गया मदर हो गया ठीक है, अंकल अंकल को काका 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 बोलते हैं और हम लोग में बड़े पापा बोलते हैं, तो मतलब ले लीजिए बड़े पापा ठीक है ना, चलिए अभी आंट हो गए, आंट हो गए तो आंट में बहुत सारा आता है मौसी मौसी मौसी, और यहाँ पे आएंगे यहाँ पे भी मौसी ही बोलते हैं हम लोग, बुआ बुआ खाला मतलब भी बुआ होता है, खाला मतलब बुआ होता है, बुआ बुआ खाला मतलब बुआ, अम्मी की बहन, अम्मी की बहन ना बुआ होती है खाला सर, अम्मी की बहन मौसी होती है, अब्बू की बहन बुआ होती है सर, अब्बू की बहन बुआ हो गई और अम्मी की बहन खाला हो गई, तो यही प्रॉब्लम होता है हिंदी में, इसलिए अंकल और आंटी का छोड़ दो, अंकल आंटी मतलब समझ गए ना, अंकल आंटी को निकाल देते हो, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाल रहे, बहुत डेंजर है, बाकी ये चीजों का ध्यान रखो आप, अगर आपको सर होता है तो क्या होता है बेटा, और डॉटर ही तो बेटी बेटी, और बहन नहीं होगी बेटी होगी, सन इन लॉ हुआ तो दामाद, और डॉटर इन लॉ हुई तो आपके अकॉर्डिंग करना है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगी बहू, चलिए ये क्लियर हुआ, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको ये क्लियर हो गया, अगर मैं बोलूं आपके जो पप्पा होंगे, पप्पा के पप्पा ग्रैंडफादर दादा दादा, और ग्रेट ग्रैंडफादर भी दादा कहलाएंगे, दादा के पिताजी ठीक है, परदादा हाँ, ग्रेट ग्रैंड फादर परदादा ठीक है, और ग्रेट ग्रैंड मदर ही तो
दादी और ग्रेट ग्रैंड मदर हुई तो पर दादी ग्रैंड मदर होती है दादी अपर दादी ठीक है इसको ना आप समझ लो कि आपके अकॉर्डिंग बनाया मैंने और एक बार आपको फैमिली ट्री भी बना के दिया क्लियर है चलिए रोहित मलिक आप एक बार ना इसको रिवाइज करो आवाज आ रहा है हाँ यस सर ठीक है तो आप इसको ना रिवाइज कर लो मैं ना ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है मैं क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा समझ गए सर अभी हाँ अभी क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है अगर आप चाहे तो मैं और भी हिंदी में लिख के दे सकता हूँ नहीं 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 क्लियर है ओके चलिए रब कर दो इसको लिखना है नहीं चलिए अभी नहीं आ रहा है अभी देखिए इसको लिखना है क्या किसी को चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ओके ओके और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है आपको ये फोकस क्लासेस लाइव में आप जाके वहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हो और लाइक करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना मत भूलना सर चैनल का नाम क्या फोकस क्लासेस लाइव फोकस लाइव क्लासेस फोकस क्लासेस लाइव है सर फोकस क्लासेस लाइव ये है और आज आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा फिर इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो और भी का लाइक भी दे दिए सर वीडियो को सर लाइक भी दे दो और सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना नोटिफिकेशन मिलेगा सर दबा दो सर नेक्स्ट लेक्चर आप वो क्वेश्चन भेजिए ना जो एक नंबर होते फैमिली में रोहित रोहित आपके तरफ आवाज आ रहा है म्यूट कर लो हां बोलिए मैम हेलो सर हां 8 मेंबर होते ये 8 या 10 मेंबर्स हां मैं जस्ट 3 जनरेशन ना लूंगा मैं थैंक यू सो मच गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट सर गुड नाइट